हेलो दोस्तों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक एक्रेलिक या फिर पीवीसी शीट या कोई भी तरीके का जो प्लास्टिक होता है उसे बेंड करने का मशीन बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके का एक प्लाईवुड का जो अपना टुकड़ा आता 10 mm का वो ले लिया है। इसके जो नाप है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इनके डायमेंशन में आपको स्केल की सहायता से दिखा रहा हूँ। आप इसकी जगह पर पतले मोटे कोई भी ले सकते हो प्लाईवुड या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो। तो देखो मैंने पूरे डायमेंशन आपको दिखा दिए हैं, आप स्क्रीन पॉज करके वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो इसके सेंटर में बीचों बीच मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एक होल कर दिया है जहाँ पे मैं नट लगाने वाला हूँ, मतलब स्क्रू लगाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, नट को स्क्रू या कुछ बोला जाता है तो आप समझ लेना। तो इस तरीके के दो रीफ के मतलब लकड़ी के जो रीफ रहती है उसके टुकड़े ले लिए। ये आपको किसी भी फर्नीचर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा सभी। उसके बाद ऐसे इस तरीके के दो स्क्रू है लकड़े के और इस तरीके के कुछ चार वो जो बारीक कील आती वो है और ये स्प्रिंग लेना है आपको। आप ये स्प्रिंग किसी और टिकटॉक का पेन आता था उसमें का भी निकाल सकते हो और थोड़ा सा निक्रोम वायर। तो इसके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितने लंबाई का है। ये निक्रोम वायर आप किसी भी पुराने सोल्डरिंग आयरन इस्त्री विस्त्री से ले सकते हो। ये मैंने अपना जो पुराना हेयर ड्रायर आता है उसमें का निकाला है। तो यहाँ पर मैं ये एक स्क्रू लगा देता हूँ और इधर की साइड में एक स्क्रू लगाना है। लेकिन उससे पहले उस स्क्रू के अंदर हमें ये जो स्प्रिंग है वो लगा देना है। तो ये स्प्रिंग को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के द्वारा कस देता हूँ। दोस्तों अगर आप सागर रोबोटिक्स पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बाजू का बेल आइकन भी दबा दो ताकि इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो यह मैंने निक्रोम वायर लगा दी एक स्प्रिंग के एंड को और सीधा ही एक स्क्रू के एंड को। आपको ये जो स्प्रिंग है उसे खींचकर ही इस वायर को टाइट कर लेना है। ऐसे स्प्रिंग को खींच लेना है और फिर उस वायर को टाइट करना है, क्योंकि जैसे ही हम इसे करंट देते हैं तो ये जो तार है ये थोड़ा सा फैलता है, मतलब लंबा होता है, तो ये लुढ़क ना जाए इसलिए हमने वो स्प्रिंग लगा दिया है। तो ये जो दो लकड़ी के टुकड़े थे इस तरीके के रीफ के, तो ये इधर उधर हमें लगा देने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीधा तार के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन ये लगाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये जो बारीक कील ली थी उससे मैं इसे ठोक के ऐसे फिट कर लेता हूँ। तो ये दोनों भी मैं इधर उधर का फिट कर लूँगा। तो देखो इस तरीके से इसको फिट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों थोड़ा धीरे से करना क्योंकि ये हटोड़ा या कुछ कील वील हाथ में ना लग जाए। तो अब ये 12 होल्ट की जो वायर है, मतलब 12 होल्ट का 2-3 एम्पियर का कोई भी पावर सप्लाई आप ले सकते हो। तो इसकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आप किधर भी लगा सकते हो। तो मैंने दोनों वायरें लगा दी। अब इसका स्विच जो है उसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैं पावर दूंगा तो ये स्प्रिंग थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखना आप। देखो जैसे ही पावर दी ये स्प्रिंग छोटा हो गया, क्योंकि ये जो तार है निक्रोम का ये थोड़ा सा गर्म होने पे लंबा हो जाता है, फैल जाता है और जैसे ही पावर निकालते हो वैसा ही सिकुड़ जाता है। तो इसके लिए इस तार को सीधा रखने के लिए हमने स्प्रिंग लगाया है। ये स्प्रिंग लगाना जरूरी ही है। देखो जैसे ही पावर कट किया ये स्प्रिंग फिर से बड़ा हो गया। तो अब मैं आपको इस तरीके की पीवीसी शीट बेंड करके दिखा देता हूँ। आप इस पर कोई भी पीवीसी शीट या एक्रेलिक शीट बेंड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास सिर्फ यही शीट है इसलिए मैं इसे बेंड करके दिखा देता हूँ। हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में इस शीट को बेंड करना होता है लेकिन वो आसान अच्छे से बेंड नहीं हो पाती, तो इसलिए ये मशीन काफ़ी अच्छा है। तो इसका मैं आगे भी कुछ यूज करके दिखाऊंगा आपको प्रोजेक्ट में। तो देखो इसने कितने अच्छे तरीके से बेंड कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।